हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि सर्दियों में होने वाला जो जोड़ों का दर्द है, उससे संबंधित कुछ ज़रूरी सवाल और उसके जवाब। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सर्दियों में होने वाला जो जोड़ों का दर्द है, वो आजकल एक आम समस्या बन गई है। और जिन लोगों को ये दर्द होता है, वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं पूरी सर्दी। तो आज हम इसी समस्या से जुड़े कुछ सवाल लेके आए हैं, जिनका जवाब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों होता है। फिर हम जानेंगे कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द कब होता है, सर्दियों में जोड़ों के दर्द को कैसे ठीक करें, और सर्दियों में होने वाला जोड़ों का दर्द किस विटामिन की कमी से होता है। फिर जानेंगे दोस्तों कि जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज कौन सी है, और सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए कारगर घरेलू नुस्खे क्या क्या हैं। फिर लास्ट में जानेंगे दोस्तों कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो जानते हैं पहले सवाल का जवाब कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों होता है। तो आप समझिए दोस्तों कि सर्दी के मौसम में तापमान में कमी के चलते जोड़ों की रक्त वाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं, और उस हिस्से में खून का तापमान कम हो जाता है। इसी कारण कहीं ना कहीं जोड़ों में अकड़न होनी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से ये दर्द महसूस होता है। जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उन लोगों में ये समस्या सामान्य तौर पर पाई जाती है। फिर बात करते हैं अगले सवाल की कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द कब होता है। तो आप समझिए कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं, वैसे वैसे जोड़ों के दर्द की संभावना भी बढ़ती जाती है। और ख़ासतौर पर जब शीतलहर चलती है दोस्तों, तो जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है, और जो पुरानी लगी चोट है उसमें भी अचानक दर्द उठ जाता है, जो बहुत कष्ट देता है। तो किसी भी तरह से अपने आप को सर्दियों से बचाइए। फिर बात करें दोस्तों अगले सवाल की, तो सर्दियों में जोड़ों का दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपको समझना होगा कि नियमित कसरत और पौष्टिक आहार लेने से आप जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रख सकते हैं। सुबह की गुनगुनी धूप से मिलने वाला विटामिन डी जोड़ों में दर्द से राहत दिला सकता है, और कहीं ना कहीं धूप हमारे शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करती है, इसलिए रोजाना धूप में भी जरूर बैठना चाहिए। फिर जानते हैं दोस्तों कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप समझिए कि सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा कारण विटामिन डी की कमी होना है। अगर आप सर्दियों में जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो आप अपने भीतर विटामिन डी की कमी की पूर्ति जरूर करें, और अपने भीतर विटामिन डी की सही मात्रा को बनाए रखें। दोस्तों इसके लिए रोजाना धूप में बैठें और विटामिन डी से भरपूर फूड खाएं, जैसे कि संतरा, अंडा, फिश, दूध, बादाम, मशरूम, सोया मिल्क, ऑरेंज जूस आदि। फिर जानते हैं दोस्तों कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए एक्सरसाइज कौन सी करनी है। तो आप समझिए दोस्तों कि रोजाना सुबह उठकर स्ट्रेचिंग जरूर करें, और वॉकिंग और जॉगिंग करें रेगुलर। दोस्तों साइकिलिंग करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा, और रोजाना उठक बैठक लगाएं। दोस्तों अगर आप ये सभी एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। फिर अगली बात करें दोस्तों कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए क्या कारगर नुस्खे हैं। तो सबसे पहला नुस्खा है कि रोजाना आप 4 अखरोट की गिरी रात को पानी में भिगोकर रख दें, और फिर उसे सुबह नाश्ते में खाएं। दूसरा नुस्खा है दोस्तों कि रोजाना सुबह बथुए के पत्तों का आधा कप जूस निकाल करके पिएं। तीसरा नुस्खा है दोस्तों कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल करके रोजाना सुबह खाली पेट पिए। फिर चौथा नुस्खा है दोस्तों कि जोड़ों के दर्द से बचने के लिए रोजाना पपीता खाएं, बहुत फायदेमंद है, और रोजाना पर्याप्त एक्सरसाइज करें। और छठा नुस्खा है दोस्तों कि रोजाना सरसों या जैतून के तेल की धूप में बैठकर मालिश करें। धूप में बैठकर मालिश करने से ये जो तेल है, इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। फिर अगला सवाल है दोस्तों कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतें। तो सबसे पहली बात है कि अपने शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा रखें, रोजाना सुबह शाम जॉगिंग या वॉकिंग करें, फिर रोजाना तेल की मालिश करें, और सर्दियों से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े पहन करके रखें। दोस्तों रोजाना हेल्दी डाइट खाएं, और विटामिन डी से भरपूर फूड आइटम्स पर ज़्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।